किसी ने ठीक ही कहा है कि कलम को हासिल है तरबियत खामोशी की, ये गुस्ताख किसी तारुफ का मोहताज नहीं। यह पक्ति पल्लवी मोहाड़ीकर पर सटीक बैठती है, जिन्होंने नौकरी छोड़ शुरू किया स्टार्टअप, अब सालाना कमा रही है 60 करोड़ रुपए और लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। नागपुर की रहने वाली पल्लवी मोहाड़ीकर उन लोगों के लिए एक बड़ा जवाब है जो आज भी समझते हैं कि महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखना चाहिए। एक आम परिवार में जन्म लेने वाली यह लड़की आज न सिर्फ सालाना 60 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती हैं, बल्कि देश भर में 1800 से अधिक बुनकरों का भविष्य भी बना रही है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे टॉप जानकारी, मैं मुस्तकीम अंसारी। आपको बता दें कि पल्लवी का जन्म एक बेहद आम परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पिता ने स्कूल भेजा। उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी एक काबिल इंसान बने। बेटी ने भी निराश नहीं किया और आज अपनी मेहनत के बलबूते शुरुआती शिक्षा के बाद उस शिक्षा के लिए IIM लखनऊ पहुंची। यहां से MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अच्छी नौकरी पाने में भी सफल रही। एक तरफ से उनका जीवन पटरी पर था, मगर कुछ अच्छा था जो पल्लवी को बार बार परेशान कर रहा था। आपको बता दें कि पल्लवी एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां कोसा सिल्क से हैंडीक्राफ्ट साड़ियां तैयार की जाती थी। ऐसे में उन्होंने बुनकरों की समस्याओं को नज़दीक से महसूस किया और वो उनके लिए कुछ करना चाहती थीं। इसी क्रम में नौकरी छोड़कर 2017 में उन्होंने पुणे में एक स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। इसमें उनके पति अमोद पटवारी ने पूरा सहयोग किया। आगे के सफर में पल्लवी ने देश भर में करीब 1800 बुनकरों का एक नेटवर्क तैयार किया, साथ ही अपने प्रोडक्ट की जमकर मार्केटिंग की। कुछ सालों की मेहनत के बाद वह एक अच्छी स्थिति में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पल्लवी का सालाना टर्नओवर लगभग 60 करोड़ रुपए है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।